गुड इवनिंग। तो आज है नेक्स्ट डे और आज मैं बनाने वाली हूँ मोमो, इसलिए मैंने व्लॉग बनाया। और मम्मी को गुस्सा आ रहा है। अभी है क्या हुआ कि दिन में बर्तन थे खाने के और मैंने सोचा कि मैं ट्यूशन के बाद धो दूंगी, लेकिन मुझे टाइम ही लगा और मैंने ऐसे ही छोड़ दिया और मम्मी को धोने पड़ रहा है। मम्मी को गुस्सा आ रहा है। गुस्सा नहीं आया ना, तुम करती कुछ है, भूलती कुछ है, करती कुछ है। तो क्या वो चलता है इतना? तो कोई नहीं, रोज तो नहीं धोती हूँ वैसे भी। झूठ, सारा झूठ। कोई बात नहीं मम्मी, ये भी है एक और। जब धो रहे तो सारे धोएंगे ना, एक दो थोड़ी ना छोड़ेंगे। तो आज मैं बनाऊंगी पनीर के मोमो। उसके लिए सबसे पहले निकाल लेते हैं पनीर और चटनी बनाएंगे। तो टमाटर की चटनी बनाते हैं। टमाटर की चटनी बनाएंगे दो, और चाहिए प्याज। ये है कुछ प्याज, आजकल चल रहे हैं सावन, इसलिए हम वेज मोमो बना रहे हैं, वरना चिकन मोमो भी बना सकते थे। सबसे पहले इन्हें कट कर लेती हूँ। प्याज हो गए चॉप और ये बिल्कुल बारीक कर रखें। और इसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है ये, इसको ऑन करेंगे और इस बर्तन में मैंने पानी ले लिया, इसमें डाल देंगे दोनों टमाटर बस। और इसको अब तब तक होने दूंगी जब तक इनके छिलके ना निकल जाएं, फिर इसकी बनाएंगे चटनी। तो इसको मैं ढक देती हूँ। ये मैंने ढक दिया। अब मैं करूँगी इस पनीर को ग्रेट। इसको मैं थोड़ा सा थोड़ा इतना ही बारीक कर देंगे जितना प्याज है बस, फिर ये हो जाएगा। मैं इसको, ये ऐसा ही है तो इसको इतना बस इतना कर लेंगे, इतना कर लेंगे बस। ये मैंने पनीर भी कर दिया, बस मेरे पास यही दो हैं तो मैं इन्हीं दोनों का बनाऊंगी। तो अब मैं मैदा लगा देती हूँ। मैं मैदा गूंद देती हूँ और उसको थोड़ी देर रखना भी है, तो अब इसे गूंद के रख देती हूँ, फिर उसे 5 से 10 मिनट ऐसे छोड़ दूँगी, फिर बनाऊँगी। तो बर्तन ले लिया मैंने, अब इसमें मैदा लेती हूँ। तब तक जो टमाटर है वो भी हो जाएंगे, फिर उसके बाद चटनी की प्रोसेस भी मैं आपको बताती हूँ
और ये मोमो की प्रोसेस तो पूरी हो ही गई है, तो अब मैदा गूंथती हूँ। ये मैदा हो गया तैयार, इसमें मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया। अब इसको ढक के रख दूँगी, बस ये मैंने ढक दिया है और इसको साइड में रख दूँगी। उसके बाद अब देखते हैं हमारे टमाटर, टमाटर शायद हो गए होंगे। ये इसका छिलका निकल गया, इसका भी नहीं निकला है, तो थोड़ा सा और होने देते हैं इसको। इसका छिलका निकल गया, इसका भी इधर से निकल गया, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक ये पूरा पकेगा नहीं, इसको ऐसे ही होने देना है। तो इसको होने देते हैं अभी। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया एक पैन, और इसमें हम बनाएंगे मसाला। जो फिलिंग का मसाला है उसे मैं थोड़ा सा फ्राई कर दूँगी। तो ये मैंने एक छोटा सा पैकेट लिया है घी का, तो इसको मैं पूरा डाल देती हूँ। घी हम ज़्यादा खाते नहीं हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिया है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो ये ले लिया है मैंने। अब इसमें जो मैंने प्याज ग्रेट किए थे और पनीर डाला था, पनीर ग्रेट किया था, वो इसमें डाल देंगे। इसमें मैं तड़का कुछ नहीं लगा रही हूँ, सीधे प्याज डाल दूँगी। तो जैसे ये गर्म होगा मैं उसके बाद प्याज डाल दूँगी। ये गर्म हो गया है तो मैं प्याज डाल देती हूँ, और इसी के साथ पनीर भी मैंने डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ नमक, ये है नमक, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालना है क्योंकि चटनी में भी जाएगा। तो बस इसमें सिर्फ नमक डालना है और इसे अच्छे से फ्राई कर देना है, और इसमें कुछ भी नहीं डालना है। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी विनेगर, बिल्कुल बस इतना सा, थोड़ा सा बिल्कुल। इधर ये टमाटर भी हो गए हैं, तो इसको मैं ठंडा करने रख दूंगी। ये हो गया है ठंडा,
थोड़ा ठंडा हो गया और इसके छिलके हम निकाल लेंगे। ये मैंने निकाल दिया और इसका भी निकाल देती हूँ। अब ये हमें मिल गए हैं और इसको मैं डाल देती हूँ इसमें जार में। इसके साथ डालती हूँ ये कुछ 4 मिर्च और इसमें थोड़ा सा ये नींबू, पूरा ही डाल देती हूँ ये। और अब इसमें थोड़ा सा नमक, इतने में ये भी हो गया है। बस अब मैं इसे बंद कर लेती हूँ, ये भी हो गया। इसको दूसरे गैस में रख देती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अब इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक। अब इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया। ये है फिलिंग मैदा और ये मैंने एक ट्रे ली है जिसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें जो मैं मोमोज़ बनाऊँगी उनको रखूँगी, और फिर इसमें ऑयल लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो फिर इसमें चिपकेंगे नहीं। तो ये भी हो गया, इसको मैं इधर रख लेती हूँ। तो पहले मैं मोमोज़ बना लेती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन रखूँगी। तो चलो मैं पहले बना लेती हूँ। मैंने एक कढ़ाई रख दी है, इसमें मैंने पानी रख दिया और इसके ऊपर मैं रखूँगी ये, और इसको मैं ऑयल से ग्रीसिंग कर दूँगी जिससे कि हमारे मोमोज चिपके ना। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको गर्म होने देती हूँ, उसके बाद इसमें मोमोज रखेंगे। ये मोमोज हो गए हैं रेडी। शेप ज़्यादा अच्छी नहीं है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है। तो ये हो गए रेडी और इनको अब मैं रखूँगी इसमें, थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसमें रख दूँगी जब पानी उबलने लगे। तो हो गया है गर्म, अब इसमें मैं मोमोज रखती हूँ। जिसके पास मोमो का बर्तन नहीं है वो ऐसे ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा है। मुझे तो ये उससे भी अच्छा लगा, बहुत अच्छे से इसमें पक जाता है। बस आपका जो जिस चीज़ से आप कवर करोगे वो थोड़ा
पूरा इसमें आना चाहिए, मतलब पूरा ढक जाए जिससे, ऐसा कुछ रखना तो ये हो जाएगा। मैंने इतने पतले बनाए ना इसके कवर कि वो रखने में भी मुझे डर लग रही है कहीं टूट ना जाए। ये हो गया, अब इसको ढक देते हैं। अब ये लगभग 10 मिनट बाद बन जाएगा, तो अब मैं दिखाती हूँ इसे 10 मिनट के बाद को देखते हैं। ये हो गए हैं। इसका कैसे पता चलेगा कि हो गए? ये जो मोमोज हैं ये ट्रांसपेरेंट से हो जाते हैं, मतलब कि अंदर का जो मसाला है वो दिखने लगता है, तो इसका मतलब मोमोज हो गए। तो मुझे ये लग रहा है कि हो गए हैं, तो मैं अब इसे निकालती हूँ प्लेट में, फिर आपको दिखाती हूँ। ये बन गए हैं मोमो, रेडी हो गए हैं। आप ये प्लेट मम्मी की है, मम्मी खा के बताओ कैसे बने। बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अच्छे दिख रहे? पहले ये टीवी की आवाज़ कम करो, आवाज़ कम आती है। फिर अब बताओ, खा के दिखाओ। एक गरम है और हल्का सा खाओ ना। अच्छे हो रहे? दोबारा बनाने कि नहीं बनाने? नहीं नहीं दोबारा बनाने। बनाने चलो, मम्मी तो खुश हो गई। अब ये है मेरी प्लेट, अब मैं खाऊंगी, देखती हूँ कैसा बना है। चटनी कैसे हो रही? बहुत अच्छे हो रहे हैं। ये इसकी फिलिंग जो है वो ही बहुत अच्छे से पकी हुई है, क्योंकि मैंने उसे फ्राई कर दिया था। और जो चटनी है वो भी बहुत अच्छी हो रही है, मतलब दोबारा बना सकती हूँ। तो एक बाइट खा ली। तो आज का ब्लॉग इतना ही, अब मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ। तो बाय।